आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आपको प्रश्न क्या बोल रहा है? ए बी और सी के कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल ए और बी कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य करने में 54 दिन लगते हैं, और यदि केवल बी और सी कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 90 दिन लगने थे। यदि बी अकेले कार्य किया तो उससे कार्य पूरा करने में कितने दिनों का समय लगा था, यह आपको निकालना। तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं? या ए बी और सी तीनों करते हैं कितने दिनों में? 45 दिनों में। और ए और बी करते हैं तो कितने दिनों में करते हैं? 54 दिनों में। बी और सी करते हैं तो कितने दिनों में करते हैं? 90 दिनों में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एलसीएम लेके टोटल काम कितना होगा, कुल काम कितना होगा वो निकाल लेंगे, यानी कि 200 की तरह आपका टोटल काम आएगा एलसीएम। ठीक है, तो अब देखिए दक्षता कितनी होगी, ए बी सी तीनों की दक्षता कितनी होगी? 270 में जब 45 का भाग दूंगा मैं 6 आएगी, 270 में 54 का भाग दूंगा ए और बी की दक्षता कितनी आएगी? 5। 270 में जब 90 का भाग दूंगा तो 3 आ जाएगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 9 का भाग 3 बार। ठीक है, अब देखिए ए बी सी तीन की दक्षता है, यहाँ पर ए बी और सी तीन की दक्षता है 6, ए बी की दक्षता कितनी है? 5। तब मैं इन माइनस कर लूंगा तो ए बी से कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सा क्या बचेगा? सी, और सी क्या हो जाएगा? 6 - 5, यानी कि सी की दक्षता 1 आ जाएगी। अब देखिए सी की दक्षता 1 आ गई, बी और सी की कितनी है? 3। 3 - 1 कर देंगे 2 आ जाएगी, किसकी दक्षता? बी की दक्षता 2 आ गई, तो बी को दिन कितने लगेंगे? देखिए दोस्तों, बी को दिन लगेंगे 270 तो ये है, और वो दक्षता से वो काम करता है, यानी कि 135 दिन लगेंगे, और यही आपको पूछा गया था। 135 आपका आंसर है, डी ऑप्शन आपका सही है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।